हमने पिछले क्लास में रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम फिर उसको रिवीजन करके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां सबसे पहला वर्ड मिलेगा हमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि फॉलो एनी फिक्स्ड रूल। जी हाँ, और पेयर जब भी कोई टू थिंग्स साथ में हो। अगर हम किसी भी कार्टेशियन जगह, मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, कोई पॉइंट है, हमें ये पता है इस पॉइंट में थोड़ी देर के लिए टू और थ्री लिखा हुआ है, इसका पोजीशन लिखा हुआ है, यानी कि एक्स वाई क्या है भाई, तो ये खास ऑर्डर को फॉलो करता है, जहां पहला एक्स होगा दूसरा वाई होगा। तो ये थ्री जो है वाई की जगह है और टू एक्स की है। अगर कहीं भी कुछ लिखा रहा है लाइक ये फोर वन है, ये फोर और फाइव लिखा हुआ है, तो ये पता है कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि व्हेन टू वैल्यूज आर इन फिक्स्ड ऑर्डर, भाई ये फिक्स्ड ऑर्डर में है। अब हम देख रहे हैं यहां पे, सपोज ए प्लस वन बी, और यहां पे दोनों के लिए, दोनों ये जो है किसी पॉइंट की वैल्यू है, और यही पॉइंट की एक और वैल्यू यहां पर लिखी हुई है ए प्लस टू और यहां बी प्लस थ्री, ये किसी दोनों की वैल्यू, किसी पॉइंट की वैल्यू है। तो दो ऑर्डर एक ही जगह के एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऐसा तभी हो सकता है जब ये पहली वाली ऑर्डर पहले वाले के बराबर हो जाए और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर हो जाए। तो ऐसा अगर होता है तो a प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस टू होगा, जहां पर माई मिस्टेक, यहां टू ए कर दे तो टू ए होगा, तो a प्लस वन इज इक्वल टू टू ए, यहां पर भी टू बी कर दीजिए, तो 2a प्लस वन इज इक्वल टू 2a प्लस वन, तो ये हो गया 1 माइनस टू 2a माइनस ए, तो यहां पर हो गया इधर a बचा और इधर माइनस वन, यानी a की वैल्यू मिली माइनस वन। सिमिलरली b इज इक्वल टू 2b प्लस थ्री, तो माइनस थ्री इधर आया और 2b माइनस b, दैट इज b माइनस थ्री, b का वैल्यू हमें मिल गया माइनस थ्री। ये चीज साफ बताती है कि दो ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो तभी एक इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो भी इक्वल हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट के और सेकंड सेकंड के होती है। अब ऑर्डर पेयर के बाद हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, सपोज यहां ए एक सेट दिया हुआ है वन टू और बी एक सेट दिया हुआ है ए बी, तो वन टू एक सेट है और बी एक सेट है, अगर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना हो ए क्रॉस बी करना हो, तो इसका मतलब होता है कि ए क्रॉस बी एक अनदर सेट होगा जिसमें कि एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखे होंगे, जिसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखे हुए होंगे, और वो ऑर्डर पेयर फॉलो इस तरह करेगा कि पहले हम इससे लेंगे फिर इससे लेंगे, लाइक वन ए वन बी टू ए टू बी, ये एक नया सेट बना और ये है प्रोडक्ट सेट। तो इस प्रोडक्ट सेट से क्या पता चला कि ए क्रॉस बी एक सेट है, यानी ये प्रोडक्ट सेट एक सेट है जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे, सच दैट इस प्रकार से होंगे कि x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b। ये हमने देखा, ये ऑर्डर पेयर में ही होंगे, तो प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर होता है जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाए, तो ये हो गया प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट को दिखाने के लिए हमारे पास और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, ये है वन टू थ्री,
दूसरा एक एलिमेंट है बी, ए बी सी, हम इसे दूसरे तरीके से लाइक टैबुलर मेथड से समझा सकते हैं। मैं क्या करता हूं, ए इधर लिख देता हूं 1 2 3 और बी को इधर लिख देता हूं ए बी, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट लेना है जिसमें पहला ए से होना चाहिए और दूसरा बी से होना चाहिए, तो 1 A 1 B 2 A 2 B 3 A 3 B, ये हमारे पास हो गया। अब इन सबको हम सेट में लिख लेंगे, तो A क्रॉस B को हमने ऐसे लिखा 1 A 1 B, और एक छूट गया C, छूट गया 1 C 2 C 3 C, तो 1 C 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B 3 C, ये हमारे पास आ गया। तो ये प्रोडक्ट सेट हुआ, इसे टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह से दिखाते हैं। इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, लाइक पिक्टोरियल में कैसे करेंगे, ए सेट 1 2 3 और बी सेट ए बी सी, 1 को हमने ए के साथ, 1 को बी के साथ पेयर किया और इसको सी के साथ, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 2 को सी के साथ, फिर 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ और 3 को सी के साथ पेयर कर दिया। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये बहुत, ये तीन प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट सेट को। अब जब हम इस प्रोडक्ट सेट को देख रहे हैं तो आगे हम लोग कुछ और, अब इसमें प्रोडक्ट निकालना है। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा कि ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, इस तरह से लिखे, बड़ा सिंपल है, ए क्रॉस ए लिखना है। तो ए हमने इधर डाल दिया 1 2 3 और एक ए इधर डाल दिया 1 2 3, दैट इज 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमारा आ गया सेट, प्रोडक्ट का सेट हो गया। बी अगर हमें निकालना है तो बी में बी क्रॉस बी लेना है, तो बी लेना है ए बी सी, ए बी सी, ए ए ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी, ये हमारे पास हो गया। तो दिस इज द प्रोडक्ट सेट। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम यहां देखने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा, अब क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ हमें रिजल्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें कुछ रिजल्ट पढ़ना है, तो हम कुछ रिजल्ट को देखेंगे सम इंपॉर्टेंट। पहला रिजल्ट जो हमारे सामने है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो हम देखता है LHS, सपोज इट इज LHS, हमने लिया ए क्रॉस सी, तो हम कह रहे हैं सपोज क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका एलिमेंट जो होगा कोई ना कोई ऑर्डर पे होगा, एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। क्रॉस का प्रोडक्ट सेट का हमेशा एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, तो ये पहला एलिमेंट इस आगे वाले का और दूसरा सी का होगा। तो यहां पर दिस इंप्लाइज एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी। दिस इंप्लाइज अगर एक्स एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट का है तो वो एक्स ए का एलिमेंट होगा और एक्स सी का एलिमेंट होगा। अब हमने देखा ए किसका है, सबसेट बी का, तो जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होगा, हमने पुट कर दिया एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी।
वो इसलिए क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी, सो एक्स इज द ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी. अगेन अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करता है कि जब दोनों एंड दोनों का हो तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस सी. एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस सी. अगर ऐसा है वो एलिमेंट एक्स इज द मिस्टेक हो गया मेरे से, एक्स इज द ये वाई होगा वाई. एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी. एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी. तो एक्स वाई जो होगा वो होगा एलिमेंट ऑफ, वो एलिमेंट जो ए क्रॉस सी में था वो एलिमेंट बी क्रॉस सी में भी है. अगर ऐसा है तो ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी. प्रूव्ड. फिर से अगर हमने देखना है कि ए सबसेट है बी का तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा. हमने LHS उठाया और माना कि एक्स वाई, क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट हमेशा, क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है. तो एक्स जो है ए का एलिमेंट होगा और वाई जो है सी का एलिमेंट होगा. अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो हमने सेकंड लाइन लिखेंगे. अब हम जानते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, तो जो एलिमेंट ए का होगा वो बी में भी होगा. बी इज द एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी. अगर ये दोनों कंडीशन सक्सेसफुल है तो यहां पर आ गया ऑर्डर पेयर बी क्रॉस सी का एलिमेंट होगा. और अगर ये शुरू एक्स वाई ए सी का एलिमेंट था वही बी सी का एलिमेंट है, निश्चित तौर पर ए सी जो है बी सी का सबसेट है. तो ये हुआ प्रूफ. अब इसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं. सेकेंड में क्वेश्चन है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है एंड सी का सबसेट है तो प्रूफ करना है हमें ए सी जो है बी डी का सबसेट है. अब हम देख रहे हैं, सपोज हम यहां से शुरू करते हैं. सपोज एक्स वाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी. एक्स वाई ए क्रॉस सी का सबसेट है अगर, तो एक्स ए का सबसेट होगा. दिस इंप्लाइज X is the subset of A and Y is the subset of C. और अगर ऐसा है तो अब नेक्स्ट लाइन लिखना है. A का सब, ये X एलिमेंट जो है X एलिमेंट A का होगा और Y एलिमेंट C का होगा. अब A जो है B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में भी होंगे, तो X एलिमेंट जो हो सकता है वो B में भी होगा. एंड वाई एलिमेंट सी में है तो वाई इज द, यहां एलिमेंट लिखो, एलिमेंट ऑफ सी. और सी इज द सबसेट ऑफ बी. सी सबसेट डी का है तो सी के सारे एलिमेंट डी में भी हैं. तो जो सी का एलिमेंट होगा वो डी का भी एलिमेंट होगा. हमने लिख दिया डी का भी ये एलिमेंट होगा. अब इन दोनों से हम देख रहे हैं एक्स बी का एलिमेंट है, वाई डी का एलिमेंट एंडिंग से जुड़ा हुआ है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है. तो एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी. एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी. अगर ऐसा है तो भाई साहब एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी. अगर ऐसा है तो हम क्या देखा, एक्स वाई ए सी का भी एलिमेंट था, एक्स वाई बी डी का भी एलिमेंट है. तो ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. प्रूफ्ड. ये क्लियर हो गया. तो हमने दोनों थ्योरम पूरी कर ली. तो हम देख रहे हैं यहां पे, अब हमारे पास क्वेश्चन है प्रूफ दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी. ऐसा तब होगा जब ए इज इक्वल टू बी हो. तो हम यहां देख रहे हैं, पहला LHS में दिया है ए क्रॉस बी. हमें पता है कि ए इज इक्वल टू बी, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की जगह बी रख दो तो हो गया बी क्रॉस बी. फर्स्ट RHS में B क्रॉस A इज इक्वल टू, फिर अगेन A इज इक्वल टू, अगर हम B भरते हैं तो B क्रॉस B हो गया. क्योंकि दोनों के दोनों B क्रॉस B के हैं तो ये इक्वल हो गए. ऐसा तब हुआ फॉर A इज इक्वल टू B. ये
ऐसा तब हुआ जब ए इज इक्वल टू बी है। अब एक ये तरीका है और एक इस तरह से समझ सकते हैं ये फॉर एनी ए इज इक्वल टू, लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये इक्वल है तब जबकि हो सकता है ए और बी के, तो हम क्या करें, सपोज ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ऐसा है तो हो जाएगा ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। अगेन दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ए बी इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए। अगेन यहां पे हो जाएगा ए इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड, यहां एंड लगा दीजिए, एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हम देख रहे हैं एंड सेकेंड, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, अगर ऐसा है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट होगा। अगर हम दूसरी पार्ट देखें, सपोज ए बी एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए बी क्रॉस ए, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए, और यहां दिया हुआ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। सो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड y is the element of b, जब हम देख रहे हैं from first and from second x is the element of b and x is the element of a, so b is the subset of a। यहां हम देख पा रहे हैं third and fourth, third से एंड फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम क्या पाते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों तभी हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी हो, तो इस तरह से भी ये प्रूफ होता है कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, जब दोनों हो जाए तो सबसेट तभी दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के इक्वल। अब हमारे सामने दिया हुआ है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन प्रूफ करना है कि ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या है, सपोज हम LHS लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का सब जो एलिमेंट होगा वो हमेशा ही कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होगा, सेम है तो हमने सेम ले लिया कि ए ए इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, अगर ऐसा है तो ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगली बार दिया हुआ है कि ए ए का एलिमेंट है, दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और ये एलिमेंट ए में है तो ये एलिमेंट बी में भी होगा, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, हमने ये लिख दिया। एंड यहां पे ए इज द एलिमेंट ऑफ ए लिख दिया,
तो ए का एलिमेंट है तो बी में भी होगा, तो ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड ए इज ऑल्सो एलिमेंट इन ए, ये निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अगर ए ए में है और ए बी में भी है तो हम लिख सकते हैं ए ए इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर इसका ऑर्डर पेयर होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट में जरूर एलिमेंट होगा, एंड ए ए इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए में भी होना ही होना का एलिमेंट होगा। अगर इस प्रकार का है तो अब हम देख सकते हैं कि ए ए इज द एलिमेंट ऑफ, एंड लगा हुआ है तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो इस तरह से पता चला कि ये ए ए इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए फर्स्ट, एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ ए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, दोनों जब अगर हम मिला देंगे तो ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ए क्रॉस ए और इसका इंटरसेक्शन हो गया बी क्रॉस ए, प्रूफ। ये हमारा प्रूफ मिल गया। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है ए फॉर एनी सेट ए बी सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सपोज एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट होंगे, ऐसा होगा तो एक्स जो है इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। अब हमने क्या करा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड इसको तोड़ दिया, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी, इस एंड को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे इन दिनों में, डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी। सीधी बात, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए है और वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी है, अगर ये दोनों कंडीशन को लें तो एक्स वाई इज द एलिमेंट हो जाएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के, और एक्स वाई इज द एलिमेंट हो जाएगा ए क्रॉस सी के। यहां हमने देखा दोनों में एक्स वाई है, बाहर करते हैं, एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी और के लिए आ जाएगा यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये पता चल गया यहां से, फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ दिस एंड एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ दिस, सो ये जो है ना ये इसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब अगेन उल्टा हो जाए तो साबित हो जाए हमें जो करना है, प्रूफ करना। नाउ सपोज एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हमने मान लिया फर्स्ट और ये था सेकेंड, ये हमने मान लिया थर्ड। अब ऐसा है तो इसको तोड़ते हैं, एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी और एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी,
अब हम देखेंगे इसको तोड़ते हैं। एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसको तोड़ेंगे ऐसे, नॉट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी। इन दोनों में दिखाई दे रहा है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉमन निकल जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लिया, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यहां निकल गया, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी और सी यानी बी यूनियन सी, पता चल गया। तो यहां पे ये बाहर निकल गया, तो यहां एंड है, एंड रह जाएगा, एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। तो एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड दिया हुआ है इसका और वाई इसका, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है बी यूनियन सी का। ये हो गया फोर। तो फ्रॉम थ्री एंड फोर हमने क्या देखा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो हमें वैल्यू मिल गई ये यहां और यहां, फोर है इसको फाइव और इसको सिक्स बोल देते हैं। तो फ्रॉम फाइव एंड सिक्स हम क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और उलट के ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। एलएचएस आरएचएस का सबसेट है, आरएचएस एलएचएस का सबसेट है, ऐसा हो सकता है तभी जब ये बराबर हो, देन ये प्रूफ हो गया। तो आज हम लोगों ने ये देखा, हम कुछ और नेक्स्ट वीडियो में सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे।